इम्तियाज़ आई हुई हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलिव्स और चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं, तो मुझे लेनी थी ये हैलोपिनो चिलीज। मैं सोच रही हूँ एक मैं ये ले लूँ, 700 की ना लगाई हूँ, नॉट बैड। मुझे कुछ जूसेस वगैरह भी लेने हैं, मैं देना चाह रही थी ऑरेंज मैंगो नेक्टर। ऑरेंज वालों के नहीं है, फ्लैसले वालों के। भाई एक मिनी बाउल बना दीजिएगा इसको, सैल्यूट का छोटा वाला बाउल बना दें। यहाँ पर मैं सैल्यूट देंगे, हाँ ये 125 वाला बना देंगे, छोटा वाला बना दें, 125 वाला बना। यहाँ पर मैं सैल्यूट ले रही हूँ, अच्छा जी सुबह सुबह जो है ना मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें इम्तियाज़ से ले लेते हैं, फ्रेश टाइम होता है उस टाइम जो है ना फ्रेश फ्रेश सामान भी मिल जाता है। मेरे पीछे जो है ना सैलेड कॉर्नर है, यहाँ से मैं अपने लिए सैलेड ले रही हूँ। बहुत दिनों बाद जो है ना मेरा सैलेड खाने को दिल चाह रहा है, तो क्योंकि वो गए हुए हैं कप वगैरह लेने के लिए, उसमें वो मुझे पैक करके देंगे। तो चलो ये है कि लंच में जो है ना कोई ऑयली स्नैक खाने से बेहतर है कि मैं ये सैलेड जो है ना सैलेड बार से लेके सैलेड खा लूँ। मेरे लिए जो है ना ये बना रहे हैं, बाउल बना रहे हैं मेरा। हाँ ये थोड़ा सा डाल दीजिएगा, सारा इन्होंने ये देखें बेकरी सेक्शन लगाया हुआ सुबह सुबह। थैंक यू भैया। चलें जी मेरा सैलेड बाउल बन के आ गया, ये मैं ऑफिस ले जाऊंगी और वहाँ पे खा लूँगी। अच्छा जी आज गुल अहमद का ये न्यू टॉप जो है मैंने पहना है, जो मैंने स्क्वायर वन मॉल से लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बड़ा ही खूबसूरत ये स्टिच दूसरे मैंने रेड में लिया था, इसमें ये देखें कि कैमराज बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तीन बटन देखें। और एक दामन पे ये देखें इस तरीके से कैमरा बना, तो बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है। इसकी स्लीव्स आप देखें इस तरीके से फ्रंट पे बने, दिस इज माई टूडेज लुक। पॉकेट्स भी हैं इसमें, अच्छा मैं दिखाती हूँ, बटर भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर वही है कि बहुत वेट हो जाएगा अगर मैं आज ये बटर भी यहाँ से लूँ। चलो कोशिश करते हैं, देख रहे हैं कुछ कौन सा बटर ले रहे हैं। ब्लू बैंड के अलावा असल में तो पसंद समझ भी नहीं आता ना, खाया भी नहीं जाता। लाख है, नूरपुर है, तो नूरपुर की कितनी क्यूट सी डबी है देखें, ये ले लेते हैं थोड़ा सा ले लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास आप देख सकते हैं ट्रॉली में, थोड़ी बहुत मेरा बेटा खाता है चिप्स वगैरह शौक से, मैं सोच रही हूँ उसके लिए जाना। वो ट्रॉली में ये लाइट पाइट से जो है ना मेरी शॉपिंग चल रही है, हल्की फुल्की सी आप देख सकते हैं, और चिप्स वगैरह अपने बेटे के लिए
लेज मसाला भी बहुत शौक से खाते हैं, शौक से लेज मसाला ले लेते हैं। प्लेन क्लासिक हर जन ये रोज ले लेती हूँ अपने बच्चे के लिए। सुपर क्रिस्पी बहुत मज़े के होते हैं ये भी। बेटे के लिए ना चीज़ें वगैरह ले रही हूँ मैं, तो चीज़ें बहुत शौक से घर पे पड़ी होती है ना, खाता है बहुत शौक से, खुश हो जाता है ज़रा। वालों के लिए आए हैं कुछ नए मसाला चिप्स, सारी चिप्स ले लिए मैंने अपने बेटे के लिए। मेरे हस्बैंड भी बच्चों के साथ जो है ना, वो ये बच्चे के साथ भी, वो उनको भी शौक है, वो भी खाते हैं जी। ये जो है ना बहुत मिल नहीं रहा था डॉल्टन में, मुझे नहीं मिला था, मैंने यहाँ से लिया ये हेयर मास्क लॉरियल का, ठीक है। इसके अलावा जो है मुझे ये पोछे वगैरह धोने के लिए ना सर्फ चाहिए था, सर्फ भी एक ले लेता हूँ। ऑफिस में जो है ना क्लीनिंग वगैरह चल रही है अभी, चैम्बर मेरा जो है ना ये लोग साफ कर रहे हैं, झाड़ू अभी पोछा करना है ना, हाँ पोछा कर लो और डस्टिंग अच्छे से करना, अच्छा मेरे रूम की, ठीक है। अच्छे से चेयर हटा के लगाइए, दोनों दोनों सोफा से हटा के झाड़ू लगाओ, शाबाश। और वो कोने में भी कचरा छोड़ा होगा, तारें हटाओ मेरे चैम्बर में से और जो है ना सफाई करो। अभी मैं अपने आई हूँ ऑफिस, क्लीनिंग करवा रही हूँ चैम्बर में से, चाय वगैरह पीती हूँ फिर। खाने के लिए ना मैं कुछ नमक पारे और लंच वगैरह ले आई थी, लंच बॉक्स वगैरह पेपर्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं खा लूँगी ऑफिस में। और ये देखिए ये शर्ट मेरी अपने आपको दिखाती हूँ, उसके नीचे ये खाड़ी से मैंने लेगिंग लिया है और ये टॉप है, और इसमें दोनों तरफ ये देखें पॉकेट्स हैं। और कैमरा जो है ना ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा हुआ है इस पर पूरा, एज यू कैन सी पॉकेट्स दोनों तरफ हैं। आप इधर आ जाओ, मम्मा चाय पी रही हूँ, आप जूस पी लो। मेरे बेटे ने तीन के तीन जूस के कप खोल के रख दिए, तीनों के तीनों। मान बेटा आपने तीनों के तीनों जूस के कप खोल के रख दिए, ऐसे थोड़ी होता है। जूस के बहुत डब्बे, एक मम्मा को जूस दे दो फिर, चाय ना मिले ना ऑफिस आके तो मुझे तो लगता है कि बस दिमाग ना मेरा काम ही नहीं कर रहा। जी पापा अभी वहीं रख दो, वहीं रखो ऑफिस आके ना, पहले मैं चाय पीती हूँ ताकि जो है ना दिमाग मेरा जगह पे आए। ऑफिस के लिए मैं कुछ स्प्रे वगैरह लेके आई थी आज, मैं एयर फ्रेशनर, और मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ वाइप्स वगैरह लेके आई थी, सर्फ लेके आई थी, टाइल क्लीनर, काफ़ी चीज़ें जो है ना ऑफिस की मैंने ली हैं क्लीनिंग की। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो मुझे टॉप और ये जो है ना, ये याद है ईद के कुछ ब्लॉग्स लगे थे तो मैंने खाड़ी से लेगी लिया था, और ये जो है टॉप मैंने गुल अहमद से लिया था आइडिया से।
जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना अभी ये जीप ली है एक और, क्योंकि लिए जीप नहीं हो थी हमारे पास, तो इस कौन? वजह से आज जो है ये मेरे हस्बैंड ने अपनी चॉइस से ली है ये जीप। चॉइस तो अभी जाऊँ जाएंगे बाद में ट्राई करूँगी कि कैसी है। ड्राइवर मेरे बेटे ने लंच में जो पुलाव खा लिया, अब ये कह रहा है मुझे आइसक्रीम जो है ना खोल के दें। टेक दिस वन मोम, मेरा बेटा जो है ना हैप्पी तरीन हो गया बस यार। अपने बेटे को प्लेटर बना के दिया, बर्गर पैटी फ्राई करके दिया है, कुछ कोको में बिस्किट हैं, चिप्स वगैरह हैं, नमक पारे हैं, केचप डाल के दिए मेरे बेटे को जो है ना मैंने प्लेटर बना के। जी माइक्रोवेव में यहाँ पे मेरा खाना गर्म हो रहा है, और खाने में क्या गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने रायता बनाया है हरी चटनी का, क्यूब था फ्रीजर में वो दही में मैंने मिक्स करके और रायता जो है मैंने बना, ठीक है। और ये सस्पेंस है, मैं अभी दिखाती हूँ कि क्या गर्म हो रहा है खाने में मेरे लिए। बीफ पुलाव है खाने में और चपली कबाब है साथ, मज़ेदार सा बीफ पुलाव है, चपली कबाब है, साथ हरी चटनी है। तो मैं तो अपना डिनर एंजॉय करने जा रही हूँ। मैं होटल पे आई हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय वगैरह। अरे यार जी होटल से जो है ना मैं वो खा के चाय पराठा बाहर आ गई हूँ, और ये मैंने जो है ना कुछ चीज़ बिस्किट और स्नैक्स वगैरह लिए हैं अपने बेटे के लिए, चीज़ें वगैरह, क्योंकि घर में मैं स्टॉक करके रखती हूँ, जब ख़त्म हो जाए तो फिर मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है। तो मैं भी जा रही हूँ बस, ये बहुत शदीद है, लेकिन फिर भी सारे काम जो है ना वो करने पड़ रहे हैं। हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सर, ऐसी बात नहीं है, धूप निकली है, हवा भी चल रही है, तो बस जो है ना घर चलते हैं। ये जो है ना मैं लाई थी कोकोनट और इसका जूस, बहुत ही ये ना मज़ेदार था, क्या मैंगो कोलाडा, तो मैं तो रेसिपी वाला खाया है, बहुत मज़े का है, रिकमेंडेड है कि आप लोग पिए। फटाफट से मैं चाय बनाती हूँ, पहले लाइट ऑन करूँगी। दो टी बैग डाल के और चीनी डाल के ना स्टैंड बाय कर देती हूँ, टाइम बच जाता है, बस पानी डालो आपकी चाय रेडी। सुबह मैं चाय पिए बगैर निकली, लेट मेरी आँख खुली, मैं मुझसे ड्राई भी नहीं हो पा,
चाय नहीं पी रही हूँ हम लोगों, मेरा दिमाग भी ऐसा एक्टिवेट ही नहीं होता, एनर्जी जो है ना मेरी जीरो होती है। चाय बनाने के लिए कभी लिक्विड करके बना लेती हूँ तरन की, कभी ड्राई बना लेती हूँ, लेकिन चाय और सब्जी के लिए चाय से बनाए। और इतनी शदीद गर्मी के बाहर के लिए क्या बताऊँ, पता नहीं कहीं आवाज़ आप लोग तो क्लियर हो रही है, मैं लाउड बोल रही हूँ ताकि आवाज़ मेरी आए आपको। पता नहीं लास्ट ब्लॉग में मैंने वो जीप का शायद डाला है नहीं डाला आपने। जो नई जीप हम लोगों ने ली है, हाइब्रिड जीप ली है एक्चुअली, उसके लिए बारिश के लिए, ये बारिशों में जो है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो पानी आ जाता है फिर इतना गाड़ियाँ जो ना वो सर्वाइव नहीं कर पाती, बनाती हूँ लेकिन सैटरडे संडे को जब मेरे पास टाइम होता है मैं आराम से सोके उठती हूँ, मेरे बेटे को मुझे स्कूल नहीं लेके जाना होता, मैं इतनी फ्री होती हूँ फिर मैं लिप्सटी बनाती हूँ, या फिर इवनिंग में बनाती हूँ, सुबह तो इतना भागो भाग का माहौल होता है, मुझे अपने बेटे को स्कूल लेके जाना होता है, मैं एक टेंशन में आई हुई थी थोड़ा सा अपने बेटे को जो है स्कूल पहुँचा दूँगी, अच्छे होना अभी घर पर आएगी तो वही भूलेंगी, मैं जो है ना देखकर जरा सा उससे अपने बेटे को ला के थोड़ा सा दम लूँ, चाय बनाइए पानी पिए, बहुत टफ जॉब है इस गर्मी में ड्राइव करके जाना, अपने बेटे की मैंने स्कूल फीस भी जमा कराने की बैंक में भी जमा करवाई, तो मतलब बहुत भाग भाग कर टफ दे जो है ना क्या कहना चाहिए, हमारी वालदा कहा करती थी सर गर्म हो जाता इंसान, सर गर्म हो जाता उससे भी जो है ना बॉडी डिस्टर्ब कर, मेरे पाँव में इतना शदीद पेन था कि मैं आपको क्या बता, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई वो गन वाइब्रेटर है वो जो मसाजर है गन मसाजर वो ले लूँ, तो पाँव वगैरह जो है ना थोड़ा मसाज कर लिया तो उनकी रिक्वायर भी करते हैं वो बहुत है तो खत्म हो जाती है, कल उनको बहुत शदीद पेन था। तो जो नई जीप ली है मैंने और मेरे हस्बैंड ने तजारा, तो नई तो नहीं है लेकिन यह है कि मतलब वो हम लोगों के पास कभी आई है तो वो उसके लिए भाग और करना देखना, पहले गाड़ी जाना पसंद करना शोरूम से, फिर उसके कागजात वगैरह के लिए भाग और करना वहाँ से पास करवाना, तो वो दिन बहुत मैं और मेरे दिया जो है ना वो शोरूम भाग और करते खत्म हो गए, टायर्ड हो गए बहुत ज़्यादा, शरारत ही कर लेना अच्छा बेटा सब जवान
जब ये फ्राइज हो जाए ना चिप्स पक जाए फिर चूल्हा साफ कर लेना। दाल पकी भी रखी है तो मैंने सोचा कि बेसन का चीला बना लूँ मैं, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी ताकि चीला जो है ना सॉफ्ट बने, वरना वो ठंडा होने के बाद बाद में हार्ड हो जाता है। तो मैं जो है ना इसको घोल लूँगी। फ्राइंग पैन मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। आज की पानी डाल के देने से मैंने थोड़ा, किसकी रोटी? बेसन की, बेसन की। मेरे हेल्पर पूछ रही हैं, कह रही हैं मैं अपने चैनल के लिए शूट कर रही हूँ ना, मेरा यूट्यूब समझती हो, यूट्यूब पे चैनल है ना मेरा कुकिंग वुकिंग का व्लॉग का, तो मैं ये बना रही हूँ। ये मेरी न्यू हेल्पर है ना, इनको पता नहीं है, बता रही हूँ। हाँ बेसन की रोटी यार, ये थोड़ा वज़न कम हो जाता है ना इससे, जब मेरा वेट बढ़ जाता है ना मैं गंदों की रोटी थोड़ी बंद कर देती हूँ। सालन जो रोज़ का पका होता है ना समीना, उसके साथ ये रोटी फिर मैं खाती हूँ। तुम पहले दफा देखी हो बनाते? बड़ा दिल जिगर का काम है वेट कम करना, बढ़ तो ऐसे जाता है, कम करो ना। फिर मैं खाइए खाती हूँ, वॉक करती हूँ, अपने हेल्पर को बता रही हूँ सब बातें। ये मैंने मीठा सोडा डाला है ना, इससे गर्म गर्म बनेगी। मैंने देख लो तुम कैसे बनती हो। ऑलिव ऑयल आ गया, तो ऑलिव ऑयल डाल के और फिर बनाते हैं हम बेसन का चीला। चीला कहते हैं इसको, चीला। साथ साथ मेरे बेटे की फ्राइज भी बन गए। किचन में एक तरफ फ्राइज बन रहे हैं और एक तरफ जो है ये बेसन का चीला बन रहा है। बेसन का चीला थोड़ा हाई फ्लेम पे बनाते हैं कि जल्दी जल्दी पक जाए। इसको हम फ्लिप कर देंगे, ये दे। मुझे ना बस ये मीडियम सा ही सिकावा पसंद है। चीला ऑलमोस्ट हमारा पक के जो है ना, ये देखिए ये रेडी हो गया। थोड़ा सा सेकेंगे और उसको, और अब जो है इसको ये देखिए दूसरी साइड से भी सेक के इसको प्लेट पे निकाल दें। ओके सिट डाउन। Here's your ketchup. Here's your chip. Okay, पानी भी दे रही हूँ आपको, पहले आप ये खाओ, ये खाओ जब तक। चलो ये खाओ आप। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये मैंने
अगरबत्ती पे ना सूरह सुरुशिव पढ़ के दम किया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया है, और ये अगरबत्ती जो है ना मैं तमाम घर के कोनों में जो है ना इसकी धुनी दे रही हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि कहते हैं घर के कोनों में जिन्नात बसेरा करते हैं, तो इस तरह जो है अगर कोई ऐसा मसला होता भी है तो वो भाग जाते हैं जिन्नात। इसलिए मैं पूरे घर में जो है ना इसकी धुनी दे रही हूँ। एंट्रेंस है ना मैंने यहाँ पे रख दिया कोने में ताकि खुशबू जो है ना उस तब सब तरफ जाए और रूहानी सा हो जाए माहौल। आई हुई है, पक रही है, एक घंटा हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं ऑयल डाल लूँगी पैन कड़ू के लिए ना, यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। कड़ी तो पक रही है, साथ साथ मैं पकौड़े फ्राई करके ऐड कर दूँगी कड़ी। पकौड़ों का बैटर मैंने बना लिया था, मैं भी दिखाती हूँ आपको। पकौड़ों का बैटर बना के मैंने रख दिया था, कड़ी खाने का दिल चाह रहा था। बाजार से वैसी मिलती नहीं है जैसी घर पे बनती है। आप लोग देख रहे हैं कि पक रही है और यहाँ पे बेसन घोल लिया है मैंने पकौड़ों का, तो मैंने कहा कड़ी बन रही है तो साथ साथ मैं जो है ना पकौड़े भी फ्राई कर लूँ, देर ना हो। पकौड़े फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, और ये कड़ी पक रही है। बस अभी ऐसे ही होते हैं पकौड़े थोड़े गोल्डन, तो मैं फिर इनको पलट के जो है ना कड़ी में ऐड कर दूँ। पकौड़े तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मैं देखो जो है वो जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे मैं कड़ी में ऐड करती जाऊँगी। एक साइड से गोल्डन हो गया तो मैं साइड चेंज कर दूँगी उनकी, तो थोड़े ये जो है सही तरीके से पक के तैयार हो। कड़ी जो है ना मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, तो कड़ी लवर है ना वही कड़ी की जो है ना वो वेजियों को जानते हैं। एक साइड से हो गए और क्योंकि गैस भी स्लो आ रही है ना, तकरीबन एक घंटा हो गया कड़ी को पकते हुए। जब तक जो है ना मीन वाइल मैं इसके भगवान की चीजिया जो है ना जमा कर लेती हूँ। कड़ी पत्ता तो रखा हुआ है, मैं इसके भगवान के लिए ना साबुत लाल मिर्च जीरा वगैरह जो है ना ऐड कर लेती हूँ। साबुत लाल मिर्च ये मैंने निकाल ली है, यहाँ पे जो है जीरा जो है मैं ले लूंगी साबुत लाल मिर्चों के साथ, थोड़ा सा जीरा भी दे लूंगी मैं, और कड़ी पत्ता जो है मैं फिर से निकाल लाती हूँ। ठीक है, तो बघार की अशिया भी रेडी रखते हैं। मैंने फूड पांडा से मंगवाया था या पता नहीं क्रेव मार्ट से मंगवाया था, बाहर
जब मेरे काम आने जा रहा है तो डंडी समेत ही जो है ना मैं इसको ऐड करूँगी। ये बड़े प्यार से मुसाफत में लपेट के और करके जाए भेजे कड़ी पत्ता। तो कबार के लिए मैंने जीरा भी ले लिया है, साबुत लाल मिर्ची भी ले ली है एंड कड़ी पत्ता भी ले लिया। ठीक है, पकौड़े जैसे डन होते हैं इसी पकौड़े वाले ऑयल में जो है ना ये मैं भगात का सामान ऐड कर दूँगी और भगात भी कर लेंगे इसको। ठीक है, जरा उसे और जो है गोल्डन हो जाएंगे पकौड़े बल्कि ये ऑलमोस्ट जो है ना डन है। तो मैं थोड़े थोड़े करके जो है ना कड़ी में ऐड कर देती हूँ पकौड़े। जो चीज़ आपको पसंद हो ना खाने में वो आप बहुत दिल से मोहब्बत से पकाते हो। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की, कड़ी की, दोनों चीज़ों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ी देर में और पकाऊंगी इसको कड़ी को, फाइनली डन हो गई। अच्छा जी, तो भगार में जो है ना ये जो तेल पकौड़े तो मैंने डाल दिए हैं, भगार का एक सामान है ये मैं ऐसा करती हूँ ये ऑयल में डाल देती हूँ। देखिए भगार में ना मैंने एक लहसुन का जवा भी जो है ना छील के देख सकते हैं आप ऐड किया है, लहसुन भी फ्राई किया है इसमें भगार में, और भगार से क्या खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बेहतरीन सा भगार रेडी हो रहा है, ये जैसे थोड़ा सा और पक जाए खुशबू दे तो फिर मैं ये कड़ी में ऐड कर दूंगी भगार। ठीक है, पकौड़े में ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ कड़ी में और साथ ही साथ भगार भी ऐड करके थोड़ी देर पकाऊंगी मैं ताकि सब रच बस जाए कड़ी अच्छी तरह। रेडी हो गया है और अब जो है मैं वो जो है थोड़ा थोड़ा करके कड़ी को उसको ढक दूंगी कि ताज ताकि खुशबू जो है ना भगार की कड़ी में चली जाए। हमारी कड़ी की फाइनल लुक, ओहो हो